नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की पहचान रही है, लिहाजा पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के हितों और उन पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार सजग है और फिक्रमंद भी। इसलिए सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पेश किया। विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल सरकार नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन करके नया विधेयक लेकर आई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। नागरिकता के लिए 11 साल की अनिवार्य अवधि को भी घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इस विधेयक में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल हुए या उन्हें दी गई अवधि से ज्यादा समय तक रुक गए। इन्हें जेल हो सकती है या स्वदेश लौटाया जा सकता है। लेकिन नए विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए प्रवासियों को भारत अपने यहां पनाह देगा, नागरिकता देगा। सर्वधर्म संभाव से जुड़ा यह विधेयक मानवता के लिहाज से सरकार की ओर से उठाया गया एक अहम कदम है। विशेष में आज बात करेंगे इस विधेयक के प्रावधानों की, इसे लेकर उठे सवालों की और नागरिकता को लेकर देश में मौजूदा कानून की। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद इस पर चर्चा भी शुरू हो गई। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ खास श्रेणी के अवैध अप्रवासियों को मौजूदा कानून के प्रावधानों से छूट देने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के लोगों की आशंका को खारिज करते हुए कहा है कि विधेयक में इन इलाकों के लोगों की चिंताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। इनर लाइन परमिट एरिया और नॉर्थ ईस्ट के छठे शेड्यूल के 10 इलाकों को इससे बाहर रखा गया है जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। वहीं इनर लाइन परमिट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के अलावा अब मणिपुर को भी लाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। इस विधेयक के जरिए 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते पलायन करके भारत आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बन सकें। नागरिकता कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में शरण ली है। अभी नागरिकता के लिए 11 साल देश में निवास करना जरूरी है, लेकिन इस संशोधन के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों के लिए निवास की अवधि को घटाकर 5 साल करने का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन विधेयक को कानून का उल्लंघन बताने वाले विपक्षी नेताओं को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक संविधान के किसी अनुच्छेद के खिलाफ नहीं है और न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 रहते हुए भी कई कानून बने हैं। मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल को मैं पुरस्तापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूं वो बिल
किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। मान्यवर, मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया, इसमें उन कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? गृहमंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करते हुए अगर कोई भी अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसे जांच पड़ताल के बाद नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। माननीय, यहाँ कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये 3 राष्ट्रों से भी अगर कोई मुसलमान मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा, परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूँ। हालांकि इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किए जाने पर विपक्ष ने इस पर अपना विरोध जताया। आई डू नॉट हैव एनी क्वाम टू ओपाइन दैट दिस इज ए रिग्रेसिव लेजिस्लेशन। इट इज नथिंग बट ए टारगेटेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी पीपल ऑफ आवर कंट्री। इससे पहले विधेयक को पेश होने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई जिसमें विधेयक के पक्ष में 293 मत पड़े जबकि विरोध में 82 मत पड़े। इस विधेयक के जरिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि 6 समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में भारत में नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में उन अवैध प्रवासियों की तलाश करने का प्रावधान भी शामिल है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता के लिए पात्र बनाते हैं। आइए जानते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के मुख्य प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद जनवरी 2019 में लोकसभा से ये बिल पारित भी हुआ लेकिन निचली सदन के भंग होने से ये विधेयक रद्द हो गया। इसके बाद फिर से इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 11 साल की बजाय महज 5 साल
भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन बिल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल ही के सालों में खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। ये बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 और गैर अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रावधान करता है। पहले था कि कौन कौन से नागरिक रहेंगे वो बता दिया गया, कौन नागरिक हैं भारत के और कैसे रहेंगे वो बता दिया। इसमें ये आया है कि हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, ये लोग अगर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन सब जगहों से अगर आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। मेरी समझ से शायद सरकार को ये समझ आ रही है कि वहाँ इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये रह नहीं सकते हैं वहाँ पे और रहना इनके लिए इनकी जान चली जाएगी, तो इस वजह से सरकार शायद ये प्रावधान ला रही है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक में कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। मसलन, सभी धर्मों के अवैध प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने से उन्हें विदेशी अधिनियम 1940 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके लिए अन्य बातों के अलावा उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास और 12 महीने से पहले 14 सालों में 11 साल भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। मौजूदा विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान करता है। विधेयक नागरिकता अधिनियम या किसी भी अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के OCI यानी विदेशी नागरिकता कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान करता है। सरकार ने विधेयक के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों ने भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। प्रस्तावित संशोधन देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए उत्पीड़न प्रवासियों को राहत देगा। इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों सहित भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही हैं और भारतीय मूल के समर्थन में साक्ष्य देने में भी असमर्थ रहते हैं, इसलिए उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। देशीयकरण की लंबी प्रक्रिया से इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अवैध प्रवासी माना जाता है और भारतीय नागरिकों को मिलने वाले लाभ से इन्हें वंचित रहना पड़ता है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनका रिलीजियस कारण से, धर्म के आधार पर जब शोषण किया जाता है तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। बहुत लोग तो आए जो एक परमिट लेकर के आए, लेकिन बहुत सारे लोग बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के भी आए और वो बहुत समय से भारत में रह रहे हैं और वो अपने देश में वापस नहीं जाना चाहते। उनको सिटीजनशिप देने के लिए जो अब अमेंडमेंट लाई गई है उसमें प्रावधान किए गए हैं और कुछ नियम जो एग्जिस्टिंग नियम हैं उनमें संशोधन किया गया है। वहीं इस विधेयक से जुड़े कुछ संवैधानिक सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 शामिल है। ये कहा जा रहा है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये अवैध प्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है, जबकि सरकार का कहना है इससे किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस विधेयक में शामिल प्रावधान केंद्र सरकार की विवेकाधिकार का दायरा बढ़ाता है। सरकार अब किसी भी कानून के उल्लंघन किए जाने पर OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है। ऐसे में किसी प्रवासी को जो भारत में रह रहा है उसे फौरन देश छोड़ के जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर विपक्षी पार्टियों के विरोध को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि नया नागरिकता संशोधन विधेयक मानवता और सर्वधर्म संभाव की भावना पर आधारित है और इस विधेयक में किए गए प्रावधानों से किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 नागरिकता बिल 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है, जिससे चुनिंदा श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का पात्र बनाया जा सके। लेकिन नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में विपक्ष का कहना है कि नया विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में क्या है। संविधान ने हमें मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान में पहला मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और राज्य इसे सभी नागरिकों पर एक समान ढंग से लागू करेगा। वहीं मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जो अभी इसका अपोजिशन हो रहा है बिल का, उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का है, उसके हिसाब से इक्वालिटी का, बराबरता का अधिकार है और उसको धर्म के आधार पर जो है उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को देने, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो सभी लोगों को अप्लाई करता है। ये सिर्फ नागरिकों समानता का अधिकार जो है वो केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, ये सभी व्यक्तियों को जो देश में रह रहे हैं उनको लागू होता है। उसको लेकर के कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि हम ये जो अधिकार देने जा रहे हैं या जो एक विशेष कानून बनाने जा रहे हैं उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए बना रहे हैं जिनका शोषण इन तीन कंट्रीज़ में धर्म के आधार पर हुआ है और वो उस ग्राउंड पर हमारे देश में आए हैं। बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बिल को लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठनों का कहना है कि यदि नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू किया गया तो इससे क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान को खतरा पैदा होगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम में बिल को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। उनकी चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दरअसल असम के लोग अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम। लेकिन अगर ये बिल कानून बना तो हिंदू बांग्लादेशी को नागरिकता मिल जाएगी। इस कारण नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में अलग अलग सामाजिक संगठन आशंकित हो गए हैं। देखिए, विरोध करना जायज है या नाजायज है ये तो वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग ये निर्धारित कर सकते हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ खुद ही शायद पहले से काफ़ी लोग आ चुके हैं जिनका अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है कि भाई वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, उनको नागरिकता है नहीं नागरिकता है, वहाँ पर देखा जा रहा है कौन सही तरीके से हैं, कौन गलत तरीके से हैं, किसको मान्यता मिलनी चाहिए, किसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ भी काफ़ी झंझट हो चुका है पहले। इस वजह से वो घबराए हुए हैं कि और लोग भी आ जाएं तो और हमारे लिए मुसीबत पैदा होगी। मेरी समझ से शायद यही है। वहीं सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को न्याय की कसौटी पर खरा बताया है। सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी भी तरह से देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि ये नया विधेयक संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। पूर्वोत्तर के संगठनों की चिंता को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव भी किए हैं। उन राज्यों में जहां इनर लाइन परमिट लागू है उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक से छूट दी गई है। यही नहीं,
नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों के 6 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को भी इससे छूट हासिल होगी। मान्यवर, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है, और जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं, इसको ये कानून का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। वहां ये कानून, ये नागरिकता अप्लाई नहीं होगी। नागालैंड पूरा थोड़ा हिस्सा छोड़कर इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, उनकी वो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन चालू रहेगा। मिजोरम भी पूरा इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है, तो वो भी चालू रहेगा। मणिपुर, राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट की सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। एडीसी क्षेत्र में सीए भी लागू नहीं होगा, और हाई लेवल कमिटी जो बनाई है उसी में सारे ट्राइबल को समाहित करने का काम किया है। मेघालय पूरा सिक्स शेड्यूल से कवर है, सिक्स शेड्यूल को हम इसके बाहर रख रहे हैं। विधेयक के पक्ष में सरकार का कहना है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों का लगातार मजहबी उत्पीड़न हुआ है, धर्म के आधार पर उनके साथ लगातार भेदभाव हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी है। लिहाजा 6 अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता का अधिकार देने का फैसला सर्वधर्म संभाव की भावना के अनुरूप है। सरकार ने इसे मानवता के आधार पर लिया गया अहम निर्णय बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान में भारत के नागरिक होने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो प्रावधान। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए थे, या जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। वहीं अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में जानकारी देता है। इसके मुताबिक व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई, या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, और वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में जाकर रहने लगा हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जबकि 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों को अपना पंजीकरण करवाना होगा, और पंजीकरण के लिए कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी होगा। जबकि अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाकर वापस लौटने वाले लोगों से संबंधित है। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और थोड़े समय बाद वापस आ गया, तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम मानने होंगे। मतलब उसे भारत में कम से कम 6 महीने तक रहकर अपना पंजीकरण करवाना होगा, तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों के बच्चों की नागरिकता के बारे में है। इसके मुताबिक विदेश में पैदा हुए किसी भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक हो, लेकिन उसे विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास या काउंसिल में भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 भारत के एकल नागरिकता कानून के बारे में है। इसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के तहत संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी जो भी नियम बनाएगी, उनके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जबकि अनुच्छेद 11 के मुताबिक किसी को नागरिकता देना
या उसकी नागरिकता समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास सुरक्षित होगा। संविधान के भाग दो में नागरिकता के प्रावधान के अलावा संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह संविधान प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है। इसके मुताबिक वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन राजनायकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। वहीं 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी कहलाएगा जब वो कुछ शर्तों को पूरा करेगा, जैसे या तो माता पिता भारत के नागरिक हों या पिता नागरिक हों। इसके साथ ही कुछ विदेशी कुछ शर्तों को पूरा कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संविधान में नागरिकता के कानूनों में सरकार द्वारा संशोधन भी किए जाते रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर ये व्यवस्था की गई है कि इस देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। इसके बाद फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, जिसमें वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। वहीं 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में पंजीकरण से संबंधित विदेशी नागरिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जबकि 2005 का नागरिकता अधिनियम प्रवासी भारतीयों के लिए सीमित नागरिकता का प्रावधान प्रदान करता है, क्योंकि इसके तहत राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। भारतीय नागरिकता को त्याग के जरिए या निष्कासन के जरिए खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।